Say no, not that you want to think that you get it. Now and we're here with Kunal Chug. Kunal Chug, and he's a YouTube star. And we're from Austria. No, no. We're so honored to be in his video, and it's such a great night. And we're so happy to make new friends. And you know, Kunal has to come to Vienna. Woo! You know, Sure. Next series in Vienna, Austria. Yeah, we're gonna make a travel video. Oh, our Uber is here, but okay, we'll see you. Juicy. Bye. Bye. हाँ तो भाई अभी बिलाल बज रहे हैं दोपहर के 12:50 हो रहे हैं और अभी भी तुम्हारे भाई को अपनी मम्मी का कॉल आया इंडिया से कि भाई आज हमें इनविटेशन मिला है इंडियन एम्बेसी जाने का मौका मिला है और आज आ रहे हैं DY चंद्रचूड़ जिनको नहीं पता ही इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो मम्मी ने बोला है कि अपना थोड़ा हुलिया सुधार के जाइयो दाढ़ी काफ़ी बड़ी हो रही है बाल काफ़ी बड़े हो रहे हैं तो तुम्हारे भाई को जाना पड़ रहा है 4:30 बजे वहाँ पर पहुँचना है इंडियन एम्बेसी में तो अपने पास 4 घंटे हैं उससे पहले तो देखते हैं बाकी फ़िलहाल जहाँ पे तुम्हारा भाई रह रहा है ये श्लॉटनबर्ग है श्लॉटनबर्ग के अंदर भी काफ़ी सारी बार्बर शॉप्स हैं बट मैं यहाँ पे किसी को ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि लास्ट टाइम एक बार मैं इससे पास एक बार्बर शॉप है यहाँ पर गया था तो वहाँ पर उसने मेरे बालों को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिया था तो हेलो हाय तो उसने मेरे बालों को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिया था तो तुम्हारे भाई को सिर्फ एक शॉप पे ट्रस्ट है पूरे बर्लिन के अंदर जो है कॉट बुसेटोर के पास यानोविक ब्रुके में यहाँ से आई थिंक 30 मिनट दूर है बट यार वो वर्थ इट है यार एक बार अगर बाल बाल ढंग से ना कटे ना फिर पूरी वो महीना ख़राब हो जाता है बट जिस जगह मैं जा रहा हूँ यार वो कैश लेता है सिर्फ कैश लेता है तो उससे पहले मुझे कैश थोड़ा विड्रॉ करना पड़ेगा आई नो बहुत टाइम्स ऐसे डेली व्लॉग्स नहीं आए हैं तो आज आ रहा है तो एंजॉय करते हैं भाई क्योंकि बहुत सारा काम आ गया था भाई मेरे पास लास्ट महीना मैंने बिल्कुल वीडियोस नहीं डाली क्योंकि इतना सारा काम चल रहा था लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें बतानी है बट इस व्लॉग के अंदर पता नहीं बताऊँ या ना बताऊँ एक मिनट यार ये सायरन बड़ा थोड़ा सा ना बहुत तेज़ और इरिटेटिंग सा होता है इसलिए मुझे पसंद नहीं है व्लॉगिंग के टाइम पर तो एटलीस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है एग्जैक्टली मतलब ये इतना तेज़ होता है कि 1 किलोमीटर तक पूरा हिल जाते हैं लोग वेकअप अलार्म अगर ये सुबह छः बजे करेंगे ना पूरा बर्न उठ जाएगा 6 बजे और सारे फिर जिम में मिलेंगे सारे फिलहाल तुम्हारा भाई आया हुआ स्पार्का से बैंक में और यहाँ पे अपना कार्ड है पीछे के अंदर इस वाले ATM की अच्छी बात यह है इसमें एक इंग्लिश का ऑप्शन भी आता है तो इसलिए नहीं फिलहाल देखो ये सारे जर्मन ऑप्शंस हैं और ये इंग्लिश का ऑप्शन आया हमें कैश विड्रॉल करना है प्लीज़ वेट कितने करूँ 85 यूरो ठीक है हाँ पिन मैं उन लोगों को बताऊँगा जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अगर आप नए हो चैनल पे जाके सब्सक्राइब करो उसमें आपको अपना पिन नंबर भेज दूँगा तो यहाँ पे तुम्हारे भाई ने निकाल लिए हैं 50 यूरो जिन लोगों को नहीं पता भाई जर्मनी अभी भी कैश पे काफ़ी ज़्यादा काम करता है मतलब इंडिया में तो यार लोग छोटे छोटे मतलब सारे लोग ही पेटीएम पेपाल सब ले लेते हैं यहाँ पे कैश पे सब कुछ चलता है हेलो भाई हेलो बोल रहा था तो जर्मनी में ऐसा होता बहुत कम है कि लोग कैमरा फ्रेंडली हों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा GDPR प्राइवेसी लॉज को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा आराम से रिकॉर्ड करना पड़ता है बट एक थंब ऑफ रूल जो भी नए नए ब्लॉगर्स आ रहे हैं जो मैंने सीखा है एक ट्रिक तुम्हें बताऊंगा थोड़ी रिस्की है बट इट वर्क्स लाइक 99.9% ऑफ द टाइम्स तो जब क्लियरली स्पेसिफाइड नो ना हो इसको हमेशा अज्यूम कर लिया करो कि येस है तो वहाँ पे तुम बिंदास शूट किया करो जब कोई स्पेसिफिकली आके बोल दे कि यार आई एम नॉट कम्फर्टेबल ये डिलीट कर देता है तब तब कोई क्वेश्चन नहीं पूछो तब डिलीट कर दो बट उससे पहले ऑलवेज अज्यूम कि हर जगह कैमरा अलाउड है दिस वॉज द लेसन बाय कुणाल चुग बाकी ये पैसे अभी ऐसे बाहर लेके घूम रहा हूँ इसको अंदर रख देता हूँ वरना भीख मांगने आए थे भाई यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे इतने भिखारी होंगे बट ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा हैं भाई इंडिया में भी है इंडिया में तो काफ़ी हैं छोड़ो यार क्या बातें कर रहा हूँ भाई पता नहीं है भाई ये वाला जो ब्लॉग है पता नहीं कौन कौन लोग देख रहे हैं बट इसलिए मैं अश्लील बातें नहीं करूँगा इस ब्लॉग के अंदर फिलहाल ये वाली ट्रेन लेके
तुम्हारा भाई आ चुका है यानोविक ब्रुक है। जिन लोगों को नहीं पता तुम्हारा भाई, एक बार पहले ट्रेन को जाने दो, बाय बाय ट्रेन। तो जिन लोगों को नहीं पता तुम्हारा भाई यहाँ पे 2 महीने के लिए रहता था, आई थिंक फेब्रुअरी और मार्च में यहाँ पे रहता था मैं इस एरिया के अंदर। तो यहाँ पे एक शॉप थी, वहाँ पे इराक का एक बंदा था जो काफ़ी सही बाल काटता है। तो अगर तुम भी बर्लिन में नए आए हो, तुम्हें भी ऐसा कोई बंदा चाहिए जो अच्छे से काट रहा है, तो भाई इसके पास आ सकते हो। इसने मुझे कुछ पैसे वैसे नहीं दिए इसको प्रमोट करने के लिए, मुझे काफ़ी सही लगता है तभी मैं इसको बता रहा हूँ। क्योंकि मैं दिल्ली में जब मैं था तो आई वॉज़ वेरी स्पेसिफिक कि मैं कहाँ पर जाता हूँ अपनी दाढ़ी कटवाने, बाल कटवाने, उससे क्या थोड़ी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो समझ रहे हो ना, मतलब बात को समझा करो। अपनी जहाँ से बाल कटवाना होता है ना, वो एक लॉन्डे के जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं कह रहा इसलिए आज सारा बात भर भर के निकल रही है। मुझे पता है कि मैं एडिटिंग टेबल पे जब बैठूंगा तो आधी बातें मुझे काटनी पड़ जाएंगी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ब्लॉग मेरा सब्सक्राइबर मेरे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वहीं जाके सब्सक्राइब करो यार, ऐसे 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 नहीं चलेगा भाई। और स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं यानोविक ब्रुके को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाता था, बट अब आई थिंक मैं कर सकता हूँ यहाँ पर ग्रुके को प्रोनाउंस। पर काफ़ी सही जगह थी यार, काफ़ी सही जगह थी। बाहर निकलते यहाँ से ये पानी वानी था, और ये कुछ काफ़ी सही था। मतलब वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस इन बर्लिन, श्लॉटनबर्ग के बाद। श्लॉटनबर्ग भी सही है, ये भी सही है। जेब में पैसे हो तो भाई पूरी दुनिया सही है भाई। बट काफ़ी सही खुशबू आ रही है भाई, कौन सा रेस्टोरेंट है, काफ़ी सही खुशबू आ रही है भाई। ये एरबिल फ्रेश फूड, खुशबू बहुत सही आ रही थी, तो हो सकता है बाल कटवाने के बाद यहाँ पे खाना भी खाया जाए, कि भूख बहुत लग रही है भाई। और इंडियन एम्बेसी में पूछ रहा था कि वहाँ पे खाना मिलेगा, तो कहते हाई टी है, खाना वाना तो है नहीं। बाकी ये शॉप है भाई, ओरिएंट बार्बर शॉप, यानोविक ब्रुक है। मैं फिलहाल जहाँ पे हम आए हुए हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेटिंग है, और यहाँ पे हमें भाई मिले हैं इंडिया से। इंडिया में आप कहाँ से? मैं यूपी से हूँ, आगरा। आगरा कितना टाइम हो गया बर्लिन के अंदर आपको? एक साल के आसपास। और हर इंडियन की तरह ये भी आईटी हर इंडियन तो मैंने अभी इनसे पूछा होगा क्या कर रहे हो, कहता आईटी। आधे से ज़्यादा लोग जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो आईटी में ही है सर, आईटी में ही है। बाकी आज मैं बाल इसलिए कटवा रहा हूँ क्योंकि अभी इंडियन एम्बेसी बुलाया मुझे आज। अच्छा, उनको नहीं पसंद आई इतनी बड़ी बात नहीं 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 इंडियन एम्बेसी में वो चीफ जस्टिस आ रहे हैं ना, वो डीवाई चंद्रचूड़, उनसे मिलने जा रहे हैं। हाँ, पूरा वो लॉ का सारे 4-5-6 लोग मेरे दोस्त सारे जा रहे हैं। तो थोड़ा मम्मी ने बोला कि दाढ़ी वाड़ी थोड़ी सेट करके जाओ, इंसान बन के जाओ, बूथ में बन के जाओ, इसलिए यहाँ पे सीन है। बाकी मैं तो शॉप पे काफ़ी कटवाता रहता हूँ, भाई भी आप भी फर्स्ट टाइम कटवा रहे हो? मैं हाँ, मेरा दोस्त बोला कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे बाल सही करते हैं। यहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ बताते हो कुछ उनको समझ नहीं आता ना। हाँ मतलब लोग कहते हैं कि ट्रांसलेटर यूज़ कर लो कि बट वो हाँ मतलब द मोमेंट अगर तुम होते हो वो समझ में नहीं हो पाता भाई। वो तो इसे जर्मन सीख लो, आपको जर्मन आती है? A1 नहीं आती, A1 भी नहीं आती यार। ये IT वालों का यही सही है, IT वालों में ज़रूरत नहीं होती ना, ज़रूरत नहीं होती। मैं मार्केटिंग में घुसना चाह रहा हूँ तो मुझे तो अभी पूरा 0 से A1 A2। सिटी बर्लिन भी ऐसा है कि आपको इंग्लिश जरूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी मतलब एडवाइसेबल होता है कि थोड़ी बहुत अगर आती है तो डेफिनेटली हेल्पफुल है, बट नहीं आती तो भी काम चल जाएगा, चल जाता है। IT वालों का तो स्पेशली काम चल रहा है भाई, IT वाले। कभी मैं सोचता हूँ भाई कि मुझे IT कर लेनी चाहिए थी यार, मैं फालतू में लॉ किया मैंने। लॉ भी अच्छा है, लॉ इंडिया में अच्छा है ना, इंडिया का लॉ यहाँ पे काम नहीं करता। हाँ वो है, वो UK में जाओ तो काम करता है, यहाँ पे नहीं करता। UK में कर जाता है? हाँ कॉमन वेल्थ है ना, क्योंकि जो UK जिन जिन कंट्रीज पे रूल किया था ना, जैसे इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, बाकी जगह कॉमन वेल्थ चलता है, सिंगापुर में, जर्मनी में, तो मतलब उन्होंने सिमिलर लॉज बनाए हैं। कॉमनवेल्थ अपनी जो इंडिया की IPC है, इंडिया की जो इंडियन पिनल कोड है, वो सिंगापुर से सेम है, बिल्कुल ब्रिटिशर्स ने लिखे हैं। तो ब्रिटिशर्स तुम भी यही हो, हम भी यही हैं। UK चले जाना मन करे। सच्ची बताऊँ, जब मैं डॉयच क्लास में बैठा होता हूँ ना, डॉयच क्लास में 3 घंटे की क्लास होती है, मैं 1 घंटा तो चलो मन लगा के सुनता हूँ, बाकी 2 घंटे मैं नीचे सोच रहा था यार क्यों आ गया मैं जर्मनी में। जीरो से सीखना पड़ता है, लाइक ABCD बिल्कुल जीरो से। आप जाओ, चलो चलो भाई की बारी आ गई। हेलो गाइस, सो भाई बहुत बकचोद है भाई, बहुत बकचोद है। व्हाट आर यू डूइंग इन हिंदी? व्हाट आर यू डूइंग? सो कैन आई से मदर चर्ट? तो फिलहाल तुम्हारे भाई ने अपने बाल कटवा लिए हैं, आई डोंट नो कैसे लग रहे हैं, बट सही लग रहे हैं भाई। जो बंदा मेरे बाल काट रहा था भाई, वो बहुत ज़्यादा बात कर रहा था यार, बहुत ज़्यादा। और मैं जब भी बार्बर शॉप में बैठता हूँ बार्बर की चेयर पे, तो मुझे ऑटोमेटिकली नींद आने लग जाती है। और ये अभी की बात नहीं है, ये आई थिंक लास्ट जब से मैं बच्चा था,
जब मैं बार्बर की चेयर पर बैठता हूँ पता नींद आने लग जाती है। तुम में से ऐसे कौन कौन लोग हो तो बता दो भाई कमेंट में, मतलब वी आर अ फैमिली अगर ऐसे हो तुम तो। बाकी फिलहाल यार अब टाइम चेक करता हूँ कितना हो गया, क्योंकि मुझे 4:30 बजे तो वहाँ पे पहुँचना है एम्बेसी में, तो खाने पीने का टाइम है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा। 2:40 हो चुके हैं भाई, 2:40 हो चुके हैं, आधा घंटा यहाँ से जाऊँगा तो 3:10 नेक टू नेक रहेगा, तो इसलिए अभी खाना अवॉइड करता हूँ और सीधा जाके वहीं पर खाएँगे। देखते हैं भाई इंडियन एम्बेसी में क्या खिलाएंगे हमें, लेट्स सी लेट्स सी। If you wanna take it back to the 50s, maybe I'm not the guy for you. You're dying not to work, but work until you die, you know that's true. Have you thought it through? 'Cause you love to tell me what to do. Say no, I'm not like you, I don't think that you get it. यहाँ पे तुम्हारा भाई हो चुका है रेडी, मैंने रेडी होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया, तो यहाँ पे मैं तुम्हारा भाई लेट भी हो चुका है क्योंकि 4:40 के आसपास मुझे वहाँ पे बैठना था, पहुँचना था, और अभी जिस हिसाब से यहाँ पे गूगल मैप्स में मैं देख पा रहा हूँ तो 4:48 पे पहुँचूंगा। तो देखते हैं भाई क्या है कैसे है, जो होगा देखा जाएगा। कैमरा कुमरा सब चार्ज है, तुम्हारा भाई लग रहा है सेक्सी के नहीं, वो तुम्हें कॉमेंट में लिख के बताना है। दाढ़ी वाड़ी कट, दाढ़ी छोटी कर ली। अच्छा इंस्टाग्राम पे देख लिया था भाई, मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी स्टोरी डालता रहता हूँ, अगर तुमने नहीं देखा तो तुम भी देख सकते हो वहाँ पे। भाई सही लग रहा हूँ ना, सही लग रहा हूँ, लेट हो गया हूँ ऐसे में थोड़ा सा। मम्मी को दिखाओ, देख लिया। तो भाई पहली मेट्रो यहाँ पे बदल ली है, अब यहाँ से है बस जो जाएगी, आई थिंक 7 मिनट के अंदर जाएगी, तो पहुँचना पड़ेगा जल्दी जल्दी। भाई तुम्हारा भाई खड़ा है जोलेश्वर गार्डन में, यहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की शॉप्स हैं, बट टाइम नहीं है अपने पास खाने का क्योंकि लेट हो जाऊंगा, लेट हो गया तो फिर फ़ायदा नहीं है, इतना सब रेडी वेडी होके बाहर खड़ा होना पड़ेगा तो फ़ायदा नहीं दोस्त, तो इसलिए चलते हैं टाइम पे पहुंचो, हो सकता है वहाँ पे कुछ खाने को मिल जाए यार, कुछ ऐसा चिकन करी कुछ अच्छा अच्छा बनाओ भाई। भाई आया है, मजाक कर रहा हूँ। दिस इज़ वर्किंग बस, विच वन यार, भैंसो जी तो बस ही नहीं थी भाई, दूसरी बस है। हाल का अपडेट ये है कि जो पुरानी वाली बस थी वो छूट गई, अब जो नई बस है वो 4:45 पे आएगी, मतलब 6 मिनट बाद, और बस नंबर 100 है तो होपफुली यही होनी चाहिए। और तुम्हारा भाई अब प्रॉपर लेट हो चुका है, और अब मैं पहुंचूंगा इंडियन एम्बेसी 5 बजे, और 5 बजे तो इवेंट स्टार्ट हो रहा है, और उन्हें बोला था 4:40 तक सारे सीट ले लेना, बट हु नोज ये जो इवेंट है ये 5 बजे स्टार्ट हो रहा था जर्मन टाइम, बट इंडियन एम्बेसी में हो रहा है तो IST तो तुम्हें पता ही है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम थोड़ा लेट ही होता है, तो लेट्स फाइंड आउट, आज हम देखेंगे। आई थिंक ये आ गई बस नंबर 100 आ गई। यहाँ पे बर्लिन में यूजली लोग ज़्यादा हॉन्ग वोंग बजाते नहीं, बट यहाँ पे आई थिंक किसी की शादी हुई है तो ये सारे हॉन्ग करते हुए जा रहे हैं, तो सही है, विच इज़ वेरी रेयर, होता नहीं ऐसा। शादी हुई है भाई, शादी हुई है। सारे हॉन्ग करते हुए जा रहे हैं। जो पीछे बस खड़ी है उसने उतार दिया है, अब 9 मिनट में हमें पहुंचना पड़ेगा वॉक करके, 800 मीटर कुछ दूर है, बाकी 4:52 हो चुके हैं और 8 मिनट में वहाँ पे इवेंट स्टार्ट हो रहा है, तो चक दे फट्टे नब दे किल्ली, सुबह भागना पड़ेगा मतलब सिंपल। अरे महात्मा गांधी जी, नहीं, महात्मा गांधी नहीं भाई, दूर से देख रहा था तो महात्मा गांधी लग रहे थे बट वैसे नहीं भाई, मुझे अंदर का पता नहीं, अंदर कितना मुझे कैमरा यूज़ करना अलाउड होगा नहीं होगा, ठीक है तो बात समझ जाना अगर ज़्यादा शूट ना कर पाऊँ तो, बस यही भाई यही बोलने के लिए मैंने कैमरा वापस ऑन किया था। ठीक है चलते हैं भाई, लेट हो रहा हूँ मैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। इटली की एम्बेसी है और वहाँ पर मुझे अपना भारत माता का झंडा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। जने गने माने अधिनायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। थोड़ा सांस चढ़ रही है। फॉलो मी, बस पर लिखा हुआ है फॉलो मी। और भाई हाँ यार, जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे भाई क्या कर रहे हो भाई, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, हू कुनालचुक सेम जो यहाँ पे नाम है वहाँ पे नाम है, फॉलो करो, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हम बकचोदी करते रहते हैं जो YouTube पे नहीं कर सकता। और अभी टाइम बताता हूँ कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 4:58, इवेंट स्टार्ट होने से 2 मिनट पहले तुम्हारा भाई पहुँच चुका है, आई थिंक अंदर पहुँचते पहुँचते टाइम ही लग जाएगा, तो आई थिंक आई डोंट नो, पर टाइम पे पहुँच गए, दैट्स अ गुड थिंग। डियर सोसाइटी यू सक।
मैं काफी सही बनाई हुई है मैसेज। आई नो दैट यू ट्राइंग टू फिक्स मी बट आई डोंट वांट टू बी लाइक यू इफ यू वांट टू टेक इट बैक ओनली ऑन टेक्नोलॉजी वी बी एक्सक्लूडिंग अ लार्ज स्वाथ ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे समोसे टेस्टी है कि नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? बकवास है, इंडिया में फूड खा रहे हैं। नो इट्स नॉट ओके। सो शुड आई टेक योर कंसेंट मैम? प्लीज यू हैव इट? ओके आई हैव योर कंसेंट। तो भाई तू यू फ्रॉम दिल्ली राइट? दिल्ली वालों के जजमेंट को ट्रस्ट करना चाहिए। ओके समोसे को लेकर करना चाहिए। चटनी इज नाइस। चटनी इज नाइस। सॉस से लाते हैं ना चटनी। ओके ओ माय गॉड एक तो ये बात मुझे बोलनी पड़ेगी, जो समोसा है वो जेन्युइनली बहुत घटिया है। बहुत घटिया है समोसा। समोसा कह ही नहीं सकते हो। तुम खाना भरा कबाब खा के देखो, वो और भी घटिया है। ओ ओके ओके लेट्स। व्हाई डू यू थिंक द चीप चीप गेस्ट वाज नॉट प्रेजेंट फॉर द हाई टी? सुबह से ना व्लॉग शूट कर रहा था, मैं अपनी दाढ़ी कटवा के आया, मुझे लगा कि आज बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं समोसों का व्लॉग रिव्यू कर रहा हूँ, बट बहुत अच्छा। नाइस नाइस लाइफ इज बेटर देन नथिंग। या You are meeting such nice young professionals of Indian. But these all are married. Like I can't flirt with them. Who's married? Who only she's married. She's married. She's going to get married. Yeah, everyone is. Where is the girl? Hello. इस पूरे table की consensus ये है कि समोसे were shit. बाकी सब कुछ बकवास था। हरा भरा was shit. But But काजू कतली इज गुड, बट चंद्रचूर गॉट फॉर अस राइट फ्रॉम द दिल्ली एयरपोर्ट। या सोर्सेस ऑफ हाउ यू नो ही गॉट इट फ्रॉम दिल्ली। ट्रस्ट मी ब्रो, विश्वास है। सोर्सेस ट्रस्ट मी ब्रो, मैं बता रहा हूं ब्रो, मैं बता रहा हूं ब्रो। मेरा नाम अमित शाह है। मैं तो अमित शाह, मैं जो बोलना है वही कहता करना है भाई। बढ़िया अच्छी है सौभा की एक बार, दिस इज वेरी गुड। तो ये थी इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी में खाना खा लिया। सारे मैसेजेस आएंगे, मम्मी मेरा सब देखती है। You're covering the bar, so just like you're two legs. Yeah. You don't need to. Should I? Okay, I should just. Yeah, better. Who decided that you're covering it? Who put that picture to power? Okay, bus. Okay, my phone will be your photographs. You'll be. तो यहाँ पे इंडियन एम्बेसी से बाहर निकल के अब हम रोड पे बकचोदी कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें काफ़ी कूल सी स्टेयर्स दिखी है। एंड शी इज़ फ्रॉम सिम्बायसिस पुणे। 2000 कौन सा कोई तो बैच है, उनसे दो साल पुराना बैच है। मैं 2022 का ग्रेजुएट हूँ। जिन लोगों को नहीं पता, तुम्हारा भाई लॉयर था इंडिया में। यहाँ पे थोड़ा तो ऑडियंस इंडियन ही है क्योंकि तू हिंदी में बात कर रहा है। हाँ हाँ, मतलब 85% लाइक शेयर सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब। इंडियन में बात कर रहा है। इंडियन बोला था। टू मच से टू लॉन्ग इन जर्मनी। जर्मनी कितने साल रही है भाई? यहाँ पे एक बड़ा वियर्ड सा हमें एक डिवाइस दिखा है। यहाँ पे शी इज शाउटिंग एंड यहाँ से होपफुली आवाज आएगी। ये भाई जर्मन से, यहाँ पे इंडियन जो जर्मनी में मूव होते हैं उनको पता नहीं क्या चुन लगती है। जर्मन जर्मन भाई इंडिया बोलो, कुछ अच्छा से बोलो। वी हाइजन जी, इश बिन कुनाल। हु कुनाल? द ब्लॉगर। बट सही है भाई। मतलब कुछ अगर इंडिया में होती लोग क्या करते इसके साथ? कुछ भी, इस पे लटकते रहते हो। लटकते और इस पे लिखते भी तो प्रिया लव्स पंपू। तो भाई इंडियन एम्बेसी से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदे हैं इंडिया से। वो काफ़ी बड़ी बियर है, मतलब एक लीटर। तो You don't put the glass down. You don't put the glass down. Drink. Look at her. What happens? Seven years. Seven. I had no idea. Oh, इसको मिली वाला घंटा हुआ, इसको sure है कि यार इसको तो इसे पाल। नहीं, we should redo it. यहाँ पे जर्मन में कल्चर है, if you do pros and if you keep your glass down, then it's like 7 years of bad sex. Okay, so let's just look in the camera as well. Oh, camera. Okay. Yeah.
तो भाई इसी के साथ जो पूरा इंडियन एम्बेसी का सिलसिला था वो ख़त्म होता है। उसके बाद हम गए थे अपने दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत बियर वियर पीने, तो अब वापस घर जा रहे हैं। बाकी जो थोड़ी बहुत जो इंट्रैक्शन हुई वहाँ पे वो ये थी बेसिकली कि सारे लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ से ये पूछ रहे थे कि AI टेक्नोलॉजी जो आ रही है इंडिया के अंदर वो कैसे इम्पैक्ट करेगी पूरे लीगल सिस्टम को, और दो चार क्वेश्चन और पूछे ड्यूअल सिटीजनशिप के बारे में। ठीक था इंट्रैक्शन। बाकी अब तुम्हारा भाई खड़ा है जुलेश्वर गार्डन पे, टाइम आ गया है घर जाने का। मज़ा आया ऑनेस्टली। बाकी इसी बहाने तुम्हारे भाई की दाढ़ी वाड़ी कट गई, विच इज़ अ गुड थिंग। घर चलते हैं भाई, बहुत हो गया भाई, बहुत बच्चों दी हो गई, बहुत बच्चों दी हो गई, अब घर चलते हैं।